Hello friends, how are you? My name is Wajad Kareem and I'm very excited to share about implementing MVVM architecture in Android. So before we get started, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब नॉर्मली जिन लोगों ने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं और उनको ये पता होगा कि मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन सर्वे करता हूँ और ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ये आइडिया लेने के लिए कि मतलब किस तरह की ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है और ताकि मैं अपनी टॉक को और मैं अपने सेशन को उस तरह से उतने डिटेल्स में ले जाऊँ। तो लेकिन आज जो है वो ऑनलाइन इवेंट है इस कोविड और पेंडेमिक के दौरान, तो आई होप मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि सबकी सिचुएशन किस तरह की है और सब लोग घर पर बैठ के बोर हो रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू थैंक GTG लाइव पाकिस्तान एंड गूगल डेवलपर्स एंड साथ हामिद भाई, ही इज़ अ वेरी ऑसम गाय। सो थैंक यू साथ फॉर होस्टिंग दिस अमेजिंग इवेंट। सो लेट्स सी कि आज मैं जो अपना इवेंट है वो कुछ अजम्पशन के साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली किस तरह की ऑडियंस जो है वो अभी मुझे देख रही है। सो आई होप के मोस्ट ऑफ यू मुझे जानते होंगे। सो माई नेम इज़ वजाद करीम एंड आई एम द पाकिस्तान्स फर्स्ट गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन एंड्रॉयड। अभी सिर्फ मैं ही हूँ एंड्रॉयड में एंड आई होप के और भी GTs एंड्रॉयड में फॉलो अप करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान से। सो अगर किसी को GTE के हवाले से कोई गाइडेंस या कोई हेल्प चाहिए तो जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, ट्विटर, वट एवर यू फील सूटेबल एंड आई विल हेल्प यू इन एनी काइंड ऑफ कैपेसिटी। सो मैं आई हैव बिन वर्किंग ऑन एंड्रॉयड फॉर अबाउट 8 years नाउ। आई रिमेंबर कि मैं एक्लेयर 2.1 फर्स्ट टाइम मैंने उसके ऊपर डेवलपमेंट की थी। सो और इट वॉज अ वेरी वेरी बिग मेस, लाइक एंड्रॉयड ने बहुत सालों में जो है ह्यूज इम्प्रूवमेंट लाई है अपने टूल सेट में, अपने आर्किटेक्चर्स में, अपने APIs में और कंपाइलर्स में। सो दैट वॉज अ टाइम आई रिमेंबर के मतलब कितना मुश्किल होता था डेवलपमेंट करना। सो बिसाइड दैट आई हैव बिन वेरी एक्टिव इन ओपन सोर्स एंड आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ ओपन सोर्स। आई बिलीव कि मेरी जो लाइफ है वो ओपन सोर्स की वजह से ही चेंज हुई थी। मैं गलती से उसके ऊपर स्टम्बल हो गया था, लेकिन आई थिंक स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ओपन सोर्स करनी चाहिए वट एवर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आर डेवलपर यू आर। सो मेरी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं ओपन सोर्स के ऊपर और अराउंड 40,000 से ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं मेरी ओपन सोर्स लाइब्रेरी को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल दुबई मॉल की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो मेरी एक लाइब्रेरी यूज करती है। तो इट्स अ वेरी बिग ऑनर एंड बिग रिकग्निशन फॉर मी के इतने सारे डेवलपर्स मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, लाइक दे ट्रस्ट मी, दे रिलाई ऑन मी। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड ऑनर एज वेल। सो बिसाइड दैट मैं बहुत एक्टिव हूँ राइटिंग में और मैंने दो वर्ल्ड वाइड पब्लिश बुक्स भी लिखी हैं और इसके अलावा मैं अपनी वेबसाइट पे और अपने मीडियम प्रोफाइल पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता हूँ रिगार्डिंग मोस्टली एंड्रॉयड के बारे में होते हैं, लेकिन कुछ मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में होते हैं, लाइफ लेसन के बारे में होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं ओवर टाइम सीखता रहता हूँ। तो आई बिलीव के प्लीज़ फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड चेक आउट माई वेबसाइट एंड माई मीडियम प्रोफाइल एज वेल। सो हम आते हैं अब अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर के मतलब किस तरह का हमारा MVVM है। तो बिफोर दैट MVVM, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि किस तरह की अजम्पशंस हैं जो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहली अजम्पशन ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो मुझे अभी देख रहे हैं उनको किसी भी तरह का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। यू मस्ट नॉट बी एनी प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन मैं बहुत बेसिक लेवल का सेशन लगा रहा हूँ। सो आई थिंक एटलीस्ट यू शुड नो सम कोडिंग, तो उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और MVP, MVC ये सारे आर्किटेक्चर्स हैं
अगर किसी में आपने काम किया तो ठीक है, अगर आपने काम नहीं किया तो इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन इट डिटेल्स एंड हेयर के मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज माई टॉक एंड हाउ एम आई गोइंग टू डिलीवर इट। सो एमवी स्टार मतलब एज ए बिगिनर एंड्रॉयड डेवलपर मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि किस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ करूँ अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। मतलब ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो मिलियंस ऑफ यूजर्स की स्केलेबिलिटी को सरवाइव कर सकें, और आप किस तरह से उनको जो है वो मतलब मैनेज कर सकते हैं। आपका कोड स्केलेबल होना चाहिए, आपका कोड रीडेबल होना चाहिए, और कल आप चले जाते हो अपनी कंपनी से तो कोई और आपकी कोड को फॉलो करता है तो उसको भी समझ आना चाहिए कि आपने किस तरह का कोड लिखा है, अदरवाइज योर बिजनेस विल बी लॉस। सो आर्किटेक्चर कोई भी हो, MVC हो, MVP हो, व्यू मॉडल हो, या फिर इंटेंट हो, या फिर कुछ भी हो, मतलब ऊपर वालों ने अपना आर्किटेक्चर बना दिया, रेप्स वो अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक वालों ने अपना आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, इट डजेंट मैटर। आर्किटेक्चर का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो सिंपल एक पॉइंट होती है, अगर वो आप कर लेते हो तो यू डोंट नीड एनी MVP, MVPM आर वट एवर। तो आर्किटेक्चर सिर्फ एक काम के लिए यूज होते हैं, आपके व्यू को आपके मॉडल से सेपरेट करना, दैट्स इट। आपकी यूआई को ये नहीं पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है, और आपकी डेटा को ये नहीं पता होना चाहिए कि मेरा डेटा जा कहाँ रहा है। बस ये है आपका आर्किटेक्चर। अब कोई भी आर्किटेक्चर आप यूज करते हैं जिसके थ्रू आपका ये काम हो जाता है, मतलब आपके दोनों लेयर सेपरेट हो जाते हैं, तो बस कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं है कि आप MVVM यूज करो या क्या। MVVM के कुछ ऐसे फायदे हैं जो मैं बिलीव करता हूँ कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट काफी इजियर कर लेते हैं, तो उस वजह से मैं आपको ये MVVM के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो MVVM, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा यहाँ पे MVVM के। तो बिफोर दैट प्लीज रिमेंबर कि दिस इज ए आर्किटेक्चर, नॉट डी आर्किटेक्चर, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप MVVM यूज़ करो, आप जिस आर्किटेक्चर के साथ कंफर्टेबल हैं, जिस क्लीन आर्किटेक्चर है, सॉलिड आर्किटेक्चर है, या फिर रिप्स है, या फिर रिएक्ट है, या फिर रिडक्स है, जो भी आपको सही लगता है आप वो यूज़ करो, एज लॉन्ग एज योर व्यू एंड योर मॉडल्स आर सेपरेट। तो MVVM में सिंपल तरीका होता है कि व्यू जो है वो हमारी एक्टिविटी और फ्रेगमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो बटन्स वटन्स होते हैं वो जब कोई इवेंट थ्रो करते हैं तो वो व्यू मॉडल के पास भेजते हैं यूजर एक्शंस एंड इवेंट्स के थ्रू, कि भाई यार ये बटन प्रेस हुआ है, व्यू मॉडल एक मिडल मैन का काम कर रहा है और वो मैनेज कर रहा है व्यू और मॉडल के बीच में कम्युनिकेशन, तो वो उसको पता लगता है कि बटन प्रेस हुआ है, तो वो मॉडल को बोलता है कि यार ये बटन प्रेस हुआ है, इसकी ना है, मुझे डेटा दे दो। तो फिर मॉडल जो है उसको वापस एक्सपोर्ट कर देता है अपनी डेटा, फिर व्यू मॉडल जो है ना वो डायरेक्टली व्यू को वो डेटा नहीं देता। यही है सबसे बड़ी गेम जो इस व्यू मॉडल के लिए यूज हो रही है। कैसे? दूसरे आर्किटेक्चर जो हैं, MVC हो गया, MVP हो गया, उनमें जो हमारे कंट्रोलर हैं या जो हमारे प्रेजेंटर हैं उनके पास व्यू का रेफरेंस होता है, उनको ये पता होता है कि व्यू कौन है। व्यू मॉडल में हमारे पास व्यू का रेफरेंस नहीं होता, और यही सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा व्यू मॉडल और व्यू आपस में एंटायरली सेपरेट हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं किसके साथ लिंक हूँ। और इसका फायदा, इसको एज ए एग्जाम्पल ले लें, आपके नेबरहुड में जो केबल आप
I'm sorry for the disturbance. I'm back. Basically, मैं ये बात कर रहा था कि हमारा जो व्यू मॉडल है और हमारा जो व्यू है, व्यू मॉडल बेसिकली एक टेबल ऑपरेटर की काम का है और वो अपनी सारी जो उस मॉडल के थ्रू डेटा मिल रही होती है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है अलग अलग चैनल्स के ऊपर। हर स्क्रीन जो है हिसाब से अपनी डेटा को रिसीव करती है, को एंड्रॉइड लैंग्वेज में ऑब्जर्व होती है और उसके बाद वो उसको हिसाब से रिएक्ट करती है। इसका सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंटर है या फिर कंट्रोलर है उनके पास स्ट्रॉन्ग रेफर होता है, तो हमारे पास व्यू मॉडल किसी भी तरह का रेफरेंस नहीं होता। और आपकी एप्लीकेशन जो है वो इवेंट बेस्ड स्ट्रक्चर से रिएक्टिव में शिफ्ट हो जाती है और वो डेटा के ऊपर रिएक्ट कर रही होती है, ना कि वो वेट कर रही होती है कि कब क्या होने वाला है। ओके, तो एंड्रॉयड में एमवीपी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सबसे अच्छा सोर्स है वो है जेट जेट पैक, जो 2 साल पहले आईओ में आया हुआ था और बहुत सेट है लाइब्रेरी का, जो कि आपकी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करने में हेल्प है बहुत डीपली। जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास 4 तरह की कैटेगरीज हैं जो जेट पैक अभी प्रोवाइड कर रहा है: आर्किटेक्चर, यूआई, बिहेवियर, फाउंडेशन। के यूआई में आपकी इमोजीज हैं, लेआउट्स हैं और एनिमेशंस हैं। आर्किटेक्चर में हमारे पास अभी मैंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है: लाइफ साइकिल, लाइव डेटा और व्यू मॉडल को। के उनको जो है वो आप देख सकते हैं कि मतलब ये 3 चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से इनके थ्रू आप एमवीवीएम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लाइव डेटा, लाइव डेटा क्या है? सिंपल एक डेटा है जो इस लाइक मैंने एक वेरिएबल बना दिया एक स्ट्रिंग का या फिर इंटीजर का और वो आपने अपनी कोड में डाल दिया। लेकिन लाइव डेटा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अलाइव होता है, उसी वजह से इसका नाम शायद लाइव डेटा है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि आपकी एप्लीकेशन कब चल रही है और कब नहीं चल रही। लाइफ साइकिल अवेयर कि आपकी एक्टिविटी ऑन है या आपके मोबाइल पे कॉल आई हुई है, तो उस केस में ये होता है कि वो एक ऑब्जर्वेबल है और जैसे ही डेटा चेंज होगी उस वेरिएबल में वो एक कॉल बैक को थ्रो कर देता है। लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर्स की तरह वो हर बार ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा होता। जैसे कि आर एक जावा में ना आपके पास ऑब्जर्वेबल होता है, तो वो कंटिन्यूसली डेटा को ऑब्जर्व कॉल बैक कर रहा होता है, भाई फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, इवन आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है फिर भी। तो उसके लिए ना हमें ऑन डिस्ट्रॉय में या ऑन पॉज में ना मैन्युअली उसको जो है ना डिस्पोज करना होता है, ताकि हमारी एप्लीकेशन जब बंद हो जाए तो उसके बाद वो डेटा को फेंकना बंद कर दे। तो उसका जो है वो एग्जांपल यही है कि मतलब अभी जो हो रहा है वो लाइव डेटा जो है वो लाइफ साइकिल अवेयर है, मतलब ऑब्जर्व फॉर अपडेट्स हो रहा है। जैसे कोई अपडेट आई और लाइव डेटा में वैल्यू चेंज हुई, तो वो डायरेक्ट जो है नोटिफाई नहीं करेगा एक्टिविटी को या फ्रेगमेंट को, वो पहले देखेगा कि एक्टिविटी स्टार्टेड या रिज्यूम स्टेट में है या नहीं है। अगर आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन के दौरान कॉल आ गई तो आपकी एक्टिविटी ऑन पॉज में हो गई, उसके बाद जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके पास नहीं आएंगी। जब तक आप उस एक्टिविटी में वापस नहीं जाओगे तब तक वो आपकी अपडेट नहीं आएगी। अब जैसे ही आपने कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस अपनी एप्लीकेशन में आए, आप ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, तो उसने जो है वो जो लास्ट रिसेंट वैल्यू थी वो आपको थ्रो कर दी और आपकी जो डेटा है वो उस हिसाब से यूआई जो है वो उस हिसाब से अपडेट हो गई और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। ये है लाइव डेटा। व्यू मॉडल, अगेन मैंने पहले बताया था कि व्यू मॉडल एक मिडिल लेयर है, लेकिन व्यू मॉडल और प्रेजेंटर में बहुत फर्क है। प्रेजेंटर अगेन एक सिंपल सी जावा क्लास होती है जिसको लाइफ साइकिल का नहीं पता होता कि लाइफ साइकिल में क्या चल रहा है। तो व्यू मॉडल जो है वो लाइफ साइकिल अवेयर है, वो इतनी हद तक अवेयर है कि आपकी एप्लीकेशन की जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, लाइक यूज़र ने डिवाइस को रोटेट किया, तो एंड्रॉयड उस एक्टिविटी को वापस से क्रिएट करेगा। तो व्यू मॉडल को जो डेटा, अगर आपकी प्रेजेंटर में डेटा पड़ी हुई है, तो आपको वापस पहले उसको सेव करना पड़ेगा, फिर जब एक्टिविटी न्यू क्रिएट होगी फिर उसको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा और यूआई को उस तरह से अपडेट करना होगा कि जहाँ पे उसकी यूआई थी वहाँ पे होगी, अदरवाइज आपकी यूआई बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होगी। लाइक मैंने रिसाइकलर व्यू स्क्रॉल किया हुआ है और रोटेट हो गई, अब मेरा स्क्रॉल व्यू वापस 0 पे है। तो व्यू मॉडल में आपके साथ ये केस नहीं होगा, मतलब व्यू मॉडल आपका ऑन डिस्ट्रॉय तक आपके साथ है, वो
वो ना तो खत्म होगा ना क्या, उसके बाद वो अन क्लियर का फंक्शन कॉल करेगा और उसके बाद वो डेड होगा। तो फायदा ये होता है कि व्यू मॉडल में जो भी आपकी यूआई है, जो कि मोस्टली लाइव डेटा होगी, वो आपकी वैसी ही वैसी पड़ी होगी और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हम इसको थोड़ी देर में कोड में देखेंगे कि किस तरह से है। तो फाइनली द आर्किटेक्चर, अगेन वही बात, जरूरी नहीं है कि एमवीवीएम यूज करो, लेकिन एमवीवीएम एक गूगल रिकमेंडेड आर्किटेक्चर है जो कि बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है और आपको एज अ डेवलपर खुद बड़ा बेनिफिट नज़र आएगा। तो ये एमवीवीएम का एक हाई लेवल डायग्राम है कि मतलब पहले क्या होता है, हमारे पास यूआरएल रिलेटेड स्टफ होता है, या तो एकेपी या तो फ्रेगमेंट्स होते हैं, और वो जो है वो व्यू मॉडल के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। व्यू मॉडल के बाद ढेर सारे लाइव डेटा होते हैं, लाइक एज आवर ओल्ड एग्जाम्पल एक केबल ऑपरेटर है, उसके बाद बहुत सारे चैनल्स हैं, जिस स्क्रीन को जो चैनल देखना है वो उसको फॉलो करेगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी का काम होता है डेटा मैनेज करना। अब वो डेटा कहाँ से आ रहा है वो व्यू मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यू मॉडल डायरेक्ट रिपोजिटरी को बोलेगा कि यार मुझे डेटा चाहिए। अब वो उसको नेटवर्क से उठा के देता है या फिर मॉडल डेटाबेस से उठा के देता है, ये रिपोजिटरी का काम है। ठीक है, तो रिपोजिटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डेटा, और आगे जाकर जितने भी लेयर्स आपके डेटा के हैं वो आप बना सकते हैं। रिमोट डेटा सोर्स है, रेट्रोफिट के थ्रू हम वेब सर्विस से उठा रहे हैं, या फिर मॉडल में रूम के थ्रू एसक्यूएलआई से उठा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये है सबसे अच्छा सवाल, टेस्टिंग। मैंने पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान में बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो टेस्टिंग को सीरियस लेती हैं। ठीक है, जब उनसे बात की जाती है कि यार आप लोग अपनी कोड में टेस्ट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, तो ज़्यादा टाइम, यार हु गॉट टाइम फॉर इट, यार हम फरिश्ते हैं, डेवलपर्स नहीं हैं, हम तो परफेक्ट कोड लिखते हैं जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती, कोई भी क्रैश नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, वो पागल हैं, उनको कुछ नहीं पता, इसीलिए वो अपनी यूनिट टेस्ट लिखती हैं, इसीलिए वो अपनी टेस्टिंग पे फोकस करती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और सेशन इस तरह के बनाऊं जिसमें मैं टेस्टिंग के ऊपर फोकस करूंगा, यूनिट टेस्टिंग कैसे होती है। तो अभी इस सेशन के लिए मैं टेस्टिंग के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं बस ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने एमवीवीएम इंप्लीमेंट कर लिया है तो आप टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। आपकी जो यूआई टेस्ट है वो एस्प्रेसो में लिखी होगी और व्यू मॉडल को मॉक करना होगा। व्यू मॉडल को टेस्ट करने के लिए आप जो है वो जे यूनिट टेस्ट लिखेंगे, रिपॉजिटरी को मॉक करेंगे, रिपॉजिटरी के लिए आप अगेन जे यूनिट टेस्ट करेंगे, डाओ और वेब सर्विस को मॉक करेंगे। डाओ के लिए इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट होगी, ऑफ कोर्स वेब सर्विस के लिए भी इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस सेशन, सिंपल, ये एक रिपॉजिटरी है, ये कोड मैंने बनाया है। ठीक है, मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये कोड बना है और किस तरह से आप अपने कोड में एमवीवीएम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये साइड में इसका डेमो नज़र आ रहा है। ठीक है, हम जिन चीज़ों पे फोकस करूंगा वो व्यू मॉडल, लाइव डेटा, कॉटलिन एक्सटेंशन मेथड्स और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉइन के साथ। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मुझसे फेसबुक पे कमेंट्स में पूछा था कि कॉइन क्यों और किस तरह से वाई नॉट डेगर, लाइक डेगर टू गूगल वालों का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ हाईली रिकमेंडेड डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि यार ये बेसिक सेशन है, तो आई विल ट्राई टू फोकस ऑन बेसिक्स फर्स्ट। अगर डेगर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरी और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होता है, तो एज अ बिगिनर अगर आप सिंपल सी एमवीपीएम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप डेगर कर रहे हो या डेगर नहीं कर रहे हो, यू आर मच जॉब मस्ट बी डन। दैट्स इट। सो आई बिलीव के कॉइन इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इस सेशन में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है। रेट्रोफिट हमारा जेक्वार्टन जिंदाबाद, ग्रेट रेट्रोफिट फॉर नेटवर्किंग, और उसके बाद कोयल है, ये एक न्यू इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी आई है कोर रूटीन की बेस पे। कोयल मीन्स कोर रूटीन इमेज लाइब्रेरी, तो ये इमेज लोडिंग के लिए यूज होती है, तो मैं इसको करूँगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हमारा कोड। तो ये हमारी एप्लीकेशन है और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मैं इम्प्लीमेंट ट्रांजिशंस मैंने इम्प्लीमेंट की हुई है डिटेल्स में जाने के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं पहले हाई लेवल के कोड की स्ट्रक्चर पे।
पे के कोड किस तरह से मैंने इम्प्लीमेंट किया है और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन आपने देख ली, ठीक है, ये हमारे कोड की क्या कहते हैं पैकेज स्ट्रक्चर है। तो एडाप्टर्स हैं हमारे पास, रिसाइकलर को एडाप्टर है ये लिस्ट के लिए, ठीक है, और ऐप के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टेंट्स और मूवीज ऐप का इंस्टेंस है, और डेटा के अंदर हमारा अभी रिमोट सोर्स है, मैंने डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, तो रिमोट और रिपोजिटरी दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद DI है, DI के लिए बाद में आते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, और मॉडल में हमारे दो मॉडल्स हैं, मूवी मॉडल, एक्टर मॉडल, एक्टर वो कास्टिंग के लिए, और UI में हमारे पास होम और मूवी डिटेल्स हैं। तो आप लोग वंडर कर रहे होंगे यार एक सिंपल सी एक्टिविटी बनानी है तो पैकेज बनाने की क्या जरूरत है होम के लिए। तो अगर मैं होम को खोल रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि उसमें चार क्लासेस हैं, दैट मीन्स के मतलब एक सिंपल सी स्क्रीन बनाने के लिए चार क्लास हो, तो ये तो एक एक्टिविटी में काम हो जाता है, तो फिर चार क्लासेस की क्या जरूरत है। अगेन वही बात, अगर आप डेटा को UI के साथ रख करना चाहते हैं तो यू नीड टू, मतलब आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया, अब आते हैं सबसे पहले UI के ऊपर। आई होप के बहुत सारे लोगों को व्यू बाइंडिंग का पता होगा कि व्यू बाइंडिंग अभी रिसेंटली आई है वो किस तरह से है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि फाइंड व्यू बाय ID करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्स में आर्टिकल लिखा था कि किस तरह से फाइंड व्यू बाय ID की खत्म होना शुरू हो गया है एंड्रॉयड की फील्ड में, और अब किस तरह से व्यू बाइंडिंग जो है वो टेक ओवर कर रही है। तो व्यू बाइंडिंग करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्ड आर ग्रेडल में जाओ और व्यू बाइंडिंग एनेबल ट्रू करो। एक बार आपने ट्रू कर ली तो हाँ आपके पास क्लास बन जाएगा। जैसे कि मेरा लेआउट है एक्टिविटी होम का, तो इसका जो है मेरे पास क्लास बन जाता है कि ये एक्टिविटी होम का क्लास, तो मेरे पास एक्टिविटी होम बाइंडिंग इस नाम से एक क्लास बन जाता है, और उस क्लास के थ्रू जो है मैं डायरेक्ट जो है अपने व्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे रिसाइकलर व्यू चाहिए तो मैंने लिखा BI रिसाइकलर व्यू मूवी लिस्ट। पहले ये काम जो है वो ऐसे होता था कि भाई var रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय IDR रिसाइकलर व्यू, ठीक है, r डॉट ID डॉट रिसाइकलर। तो ये लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट ये करूँगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास जो भी व्यूज हैं एंड्रॉयड के वो मेरे पास डायरेक्टली इस क्लास के थ्रू अवेलेबल है, ठीक है। तो एक बार व्यू बाइंडिंग हो गई तो उसके थ्रू मुझे सारे लेआउट बड़े आराम से मिल गए, और एडाप्टर्स जो हैं वो अगर मैं इन पर्सन होता तो मैं ये पूछता कि कितने लोगों ने जो है वो लिस्ट एडाप्टर यूज़ किया। नॉर्मली जो है रिसाइकुलर व्यू डॉट एडाप्टर यूज होता है, लेकिन लिस्ट एडाप्टर यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पास डिफ कॉल बैक आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लिस्ट में 100 आइटम्स हैं और उन 100 अपडेट करना है और एक नई डेटा आपके पास आई है, तो अगर आपके पास रिसाइकुलर व्यू एडाप्टर होगा और उसमें आपने नोटिफाई डेटा सेट चेंज कॉल कर दिया है तो वो क्या करेगा, उन 100 आइटम को डिलीट करेगा, फिर वापस से ड्रॉ करेगा और बाकी जो नई डेटा आई है उसको भी करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे आइटम चेंज हो गए हैं, ज़रूरी है नहीं है कि सारे आइटम चेंज नहीं हुए हैं। तो लिस्ट एडाप्टर जो है वो इस चीज़ में बड़ा फ़ायदा देता है कि हमें एक डिफ कॉल बैक मिल जाता है, और डिफ कॉल बैक जो है वो ये है कि उसमें हम दो फंक्शन ओवरराइड करते हैं, आइटम द सेम एंड द सेम, कि किस कंडीशन में आइटम सेम होंगे लगे ID दोनों की इक्वल होगी मतलब सेम है, और किस कंडीशन में चाहेंगे अगर ID दोनों की सेम और मूवी का नाम दोनों का सेम है तो मतलब कंटेंट सेम है। तो दो फंक्शन से क्या होगा कि जब 100 आइटम की एक और 100 आइटम की लिस्ट को मैं मर्ज कर रहा हूँ तो एंड्रॉयड जो है वो लिस्ट एडाप्टर के थ्रू ये चेक करेगा कि कौन से आइटम डिफरेंट हैं और वही सिर्फ अपडेट होंगे और पूरा रिसाइकलर व्यू अपडेट नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। अच्छा, आप एडाप्टर हो गए, अब आपकी जो है वो व्यू मॉडल्स के ऊपर आते हैं कि आइडिया इसके हर एक्टिविटी का या हर फ्रेगमेंट का एक व्यू मॉडल होता है, ठीक है। व्यू मॉडल जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि भाई प्राइवेट वॉल व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल होम व्यू मॉडल, मैंने होम व्यू मॉडल बना दिया। व्यू मॉडल बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने क्लास बनाई होम व्यू मॉडल और उसको एक्सटेंड किया व्यू मॉडल के थ्रू, बस
बन गई, क्लास बन गई, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल गए, उसके मॉडल थ्रू आप अपनी पूरी डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कर रहे हैं मॉडल को बताएगा, जैसे हमारी हुई एक स्क्रीन जैसे ही खुलती है उसको मूवी किस जाए तो वो यहाँ पे आके बोलता है व्यू मॉडल डॉट लोड मूवी। लोड मूवीज क्या करता है, वो आगे जाकर अगेन हमारा वो आर्किटेक्चर रिमेंबर करें कि हम आते हैं अपने आर्किटेक्चर के ऊपर, ये रहा व्यू मॉडल जो है वो रिपॉजिटरी से बात करेगा कि यार मुझे ना लिस्ट निकाल के दे दो, तो लिस्ट निकाल के दे दो और वो लिस्ट आ गई। लेकिन अब आते हैं कि ये डेटा व्यू को कैसे मिलेगा, कि मतलब व्यू को कैसे पता लगेगा कि क्या है, और लाइव डेटा का इसमें क्या रोल है। तो आइडिया इज के आप एक अपनी UI स्टैक की क्लास बनाओ, ये मैंने UI स्टैक की क्लास बनाई है, सील क्लास। सील क्लास का फायदा ये होता है कि मैं मल्टीपल क्लासेस को मर्ज कर लेता हूँ, तो मैंने मल्टीपल क्लासेस बनाई है, लोडिंग स्टेट मूवीज लिस्ट स्टेट एरर स्टेट नो मूवीज स्टेट। तो बेसिकली हो ये रहा है कि स्क्रीन की जो भी पॉसिबल स्टेट्स हैं आप वो सारी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, या तो लोडिंग चल रही होगी, या तो मूवीज लिस्ट आ चुकी होगी, या तो एरर आ गया होगा, या तो कोई भी मूवी नहीं मिली होगी। इसके अलावा भी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे डालते रहो दबा के, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि अब आप उसका जो है व्यू मॉडल में एक लाइव डेटा बना दोगे, ये मैंने बनाया है UI स्टेट इक्वल टू म्यूटेबल लाइव डेटा होम UI स्टेट, ठीक है। अब एंड्रॉइड क्या करेगा कि उसके अंदर मेरी एक व्यूज बनाने के बाद मैं इनिट ऑब्जर्वेशन का फंक्शन बनाता हूँ। तो इनिट ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है कि दिस इज वेयर UI स्टेट इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द व्यू मॉडल। तो मैंने क्या किया व्यू मॉडल डॉट UI स्टेट डॉट ऑब्जर्व, दिस का मतलब है इसका लाइफ साइकिल ओनर कौन है। अगर दिस मैंने पास किया है तो दैट मीन्स के ये मेरी एक एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी के दौरान जो है वो बेसिकली ये पता लग रहा है कि जब भी एक्टिविटी पास होगी या डिस्ट्रॉय होगी तो उस केस में ये ऑब्जर्वर जो है वो स्टॉप हो जाएगा और इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ये ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट है, इसमें वैल्यू आएगी। तो ये UI स्टेट का है, तो यहाँ पे मेरे पास स्टेट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उस स्टेट को मैं वैन में पास कर रहा हूँ। वैन इज लाइक मोर बेटर देन अ स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें पास कर लिया मैंने, बोला अगर लोडिंग स्टेट है तो यहाँ पे आपका रियल एक्शन हो रहा है UI का, के मतलब UI में भाई विजिबिलिटी ऑन करो, विजिबिलिटी रिसाइकलर व्यू दिखा दो, प्रोग्रेस हटा दो, यहाँ प्रोग्रेस दिखा दो, रिसाइकलर व्यू हटा दो, ये व्यू विजिबल व्यू कौन, ये सारे काम इसमें हो रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि लिस्ट स्टेट में क्या हो रहा है कि रिसाइकलर व्यू विजिबल हो रहा है और लोडिंग जो है वो हाइड हो रही है। इसी तरह से मैंने दूसरे केसेस भी अपडेट किए हैं। तो अब क्या होगा कि अब लोड मूवीज क्या कर रहा है, लोड मूवीज को नहीं पता कि एक्टिविटी के पास क्या है, या फिर एक्टिविटी है या फ्रेगमेंट को नहीं पता। उसने सिर्फ क्या किया हुआ है UI स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल टू लोडिंग स्टेट। उसने क्या किया, भाई ये मेरी UI स्टेट है, जिसको देखनी है वो देखे, ये मेरा स्टार प्लस है, जिसको देखना है देखो, सही है। तो UI स्टेट में उसने लोडिंग स्टेट डाल दिए, अब फ्रेगमेंट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक्टिविटी उसको ऑब्जर्व करी है, डजेंट मैटर। और जैसे ही उसने वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे ये लोडिंग स्टेट का मेथड कॉल हो गया और UI अपडेट हो गई। इसी तरह आपकी जो UI है ना वो रन टाइम पे अपडेट हो रही होगी ऑटोमेटिकली, आपको सिर्फ व्यू मॉडल से अपनी लाइव डेटा के ऊपर वैल्यू डालनी है। तो मैंने क्या किया कि पहले वैल्यू में लोडिंग स्टेट डाली, उसके बाद मूवी रिपॉजिटरी को बोला कि यार लेटेस्ट मूवीज ले आओ, और सक्सेस के ऊपर अगेन मैंने मूवीज लिस्ट को बोला कि यार हमारे पास दो लाइव डेटा है, एक UI स्टेट की है, दूसरी मूवीज लिस्ट की है। तो UI स्टेट जो है हमारी ओवरऑल UI को मैनेज कर रही है, मूवीज लिस्ट जो है वो जब मूवीज की लिस्ट आएगी तो उस टाइम पे वो नज़र आएगा। सो ये हो गया। और अगेन सिमिलरली यहाँ पे जो है मैंने मूवीज लिस्ट को ऑब्जर्व किया हुआ है, मेरे पास लिस्ट आ जाती है, मैं रिसाइकलर व्यू में वो डाल देता हूँ, और क्या करता है सारी मूवी डिलीट करता है, नई मूवी ऐड करता है और नोटिफाई करता है। अगेन दिस इज लिस्ट एडाप्टर, तो पूरा रिसाइकलर व्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ वही आइटम चेंज होंगे जो डिफरेंट होंगे, जो कॉल बैक से नहीं आ पाएंगे, बाकी जो है वो सेम रहेंगे। सो एक बार मैंने मूवी लिस्ट अपडेट कर दी, तो उसके बाद UI लिस्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ कि भाई मूवी लिस्ट स्टेट है। मूवी लिस्ट क्या करेगा, प्रोग्रेस बार हटा के नई अपनी
रिसाइकलर भी दिखा देता है. सो दिस इज हाउ वर्क इट डन इन व्यू मॉडल. मतलब MVVM, बेसिक MVVM जो है ना, ये है कि आपकी एक एक्टिविटी है और आपका व्यू मॉडल है, और आप पूरी एक्टिविटी में देखोगे कि आपकी पूरी एक्टिविटी को ये नहीं पता कि डेटा कहाँ से आ रहा है. आप उस एक्टिविटी को डायरेक्ट डेटा मिल रहा है, दैट्स इट. उसको ये नहीं पता कि पीछे रेट्रोफिट लगी हुई है या वॉली लगी हुई है या फ्यूल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डजंट मैटर. ठीक है, ये काम व्यू मॉडल को है. व्यू मॉडल को ये नहीं पता कि डेटा कहाँ से आ रहा है, वो रिपोजिटरी को बोल रहा है कि भाई मुझे डेटा दो, और उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा व्यू मेरी डेटा को ऑब्जर्व कर रहा है. वो बस चैनल्स के ऊपर फेंक रहा है कि भाई ये चैनल है और ये डेटा है, आपको जो करना है कर लो. ठीक है, तो उसके बाद ये दो चैनल बने हुए हैं, एक यूआई का, एक मूवीज का. जब डेटा मूवीज की लिस्ट अपडेट होगी तो मूवीज की लिस्ट में फेंक देगा, जब यूआई स्टेट अपडेट होगी यूआई स्टेट में फेंक देगा. एरर है, क्या कहते हैं, एमपी स्टेट है, जो भी है. सो पॉइंट आप आते हैं हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर के आखिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मसला क्या. सो रिमेंबर, व्यू को ये कभी नहीं पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है, और व्यू मॉडल होना चाहिए कि क्या कहते हैं हमारा रिपॉजिटरी किस तरह की डेटा ला रही है. मतलब बेसिकली वो डेटाबेस से डेटा ला रही है, या फिर वो रेट्रोफिट से डेटा ला रही है, या फिर वो सर्वर से डेटा. इट डजेंट मैटर, व्यू मॉडल को ये नहीं पता होता. तो हम उसको किस तरह से मेक श्योर करेंगे. अब आप देख रहे हैं हमारे कोड में कि हमारा जो व्यू मॉडल है उसके पास रिपॉजिटरी का इंस्टेंस है. ठीक है, ईजी तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा मूवीज रिपॉजिटरी. ठीक है, मूवी रेपो इक्वल टू न्यू मूवीज रेपो. ये तो ये जो न्यू है ना, ये न्यू, ये आपकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिफाइन करता. अगर आपने न्यू डिफाइन कर लिया, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, दैट मीन्स के वो क्लास आपके दूसरी क्लास के साथ टाइटली कपल हो गई. उसका मतलब ये है कि जब आप टेस्टिंग लिख रहे होंगे उस टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा कि वो इंस्टेंस कैसे प्रोवाइड करें. तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो व्यू मॉडल है वो रिपॉजिटरी के ऊपर डिपेंडेंट हो. हम नहीं चाहते कि हमारे व्यू मॉडल के अंदर रिपॉजिटरी डिफाइन. हम ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारे व्यू मॉडल के पास रिपॉजिटरी होनी चाहिए. अब वो कहाँ से आती है, ये हमें बताता है क्वेन. डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि रन टाइम पे हम डिपेंडेंसी डाल रहे होते हैं. ठीक है, और ये डेगर का या कोइन का या किसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मसला होता है कि वो डिपेंडेंसी को कैसे लाती है. हमारे पास जो डिपेंडेंसीज हैं वो दो तरह की डिपेंडेंसीज हैं. रेट्रोफिट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. नंबर वन, हमें एक API सर्विस चाहिए. मैंने रेट्रोफिट की सर्विस पहले से लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये है रेट्रोफिट की API सर्विस. ठीक है, अभी बीच में दो सर्विसेज लगी हुई हैं, डिस्कवर मूवीज़ की और मूवीज़ की क्रेडिट्स की, मतलब जिसमें वो एक्टर्स की लिस्ट आती है. ठीक है, और अब ये इंस्टेंस जो है हम डिफाइन करते हैं नॉर्मली. अगर आपने पुराने तरीके के इंस्टेंस जो है हमारा उसके थ्रू डिफाइन हुआ पड़ा होता है कि भाई किस तरह से आपको वापस से एक ऐप क्लास में लिखना होता है, सिंगलटन बनाना होता है, नेट कंट्रोलर, नेट इंटरप्रेटर, जो भी आप नाम दे दो उसके थ्रू. लेकिन हम यहाँ पे कोइन यूज़ कर रहे हैं. अब DI का मैंने पैकेज बना हुआ है, उसके अंदर मैंने नेटवर्क मॉड्यूल को डिफाइन किया हुआ है. तो कोइन बहुत आसान है, डिपेंडेंसीज ऐड कर लो बिल्ड आर ग्रेडल में, और उसके बाद आप एप्लीकेशन क्लास में ये फंक्शन बनाओ इनिट कोइन का, और उसमें लिखो स्टार्ट कोइन. स्टार्ट पॉइंट कर लिया, चीजें आ गई. नंबर वन, एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट रिपॉजिटरी जो है वो एक ऐसा क्लास है जिसको रेट्रोफिट कॉल, डेटाबेस कॉल करना है, जिसको एरर मैसेजेस भेजने हैं, जिसको सक्सेस मैसेजेस भेजने हैं. और मैसेजेस के लिए हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग यूज नहीं करते, हमें वो स्ट्रिंग से चाहिए होते हैं क्योंकि हम बाद में लोकलाइजेशन कर सकें. तो ओवरऑल रिपॉजिटरी को एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है जिसके थ्रू वो रिसोर्सेज को और स्ट्रिंग को एक्सेस कर सके. अब हम डायरेक्ट उसको डालें तो फिर वही बात कि हमारी टाइट कपलिंग हो गई, हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. तो इसलिए
कोइन जो बॉक एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड कॉन्टेक्ट का, उसको ये बताओ कि हमारा एंड्रॉयड कॉन्टेक्ट कौन सा है, और जब भी तक जरूरत पड़ेगी हम सिंपली एंड्रॉयड कॉन्टेक्ट गेट करेंगे और हमें फौरन से मिल जाएगा। ये मसला कोइन का है कि वो कहाँ से लाता है, और वो इस एप्लीकेशन ग्लोबली हमारी एप्लीकेशन में कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी ना, वो हमें एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट दे देगा। लेकिन ये ख्याल रहे कि आप व्यू मॉडल में एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट को एक्सेस ना करें, व्यू मॉडल में व्यू रिलेटेड कोई भी चीज़ एक्सेस ना करें, दिस इज द वेरी हाईली रिकमेंडेड। अदरवाइज आपका MVVM नहीं है, वो फिर कोई और आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट हो गया, और उसके बाद मॉड्यूल्स में आपको लिस्ट देनी है उन सब मॉड्यूल्स की जो आपको ज़रूरत है। तो हमारे पास अभी सिर्फ एक मॉड्यूल है नेटवर्क, बाद में आपके पास डेटाबेस मॉड्यूल आएगा, बाद में आपके पास रिपोजिटरी और पता नहीं कौन हेड प्रेफरेंस मॉड्यूल आएगा, सब चीज़ें आएंगी। तो उस टाइम पे जो है ना आपको वो मॉड्यूल्स भी यहाँ पे आएंगे। तो हम आते हैं हमारे नेटवर्क मॉड्यूल, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा क्लास है नेटवर्क मॉड्यूल, और उसमें मैंने नाम डाला नेटवर्क मॉड्यूल को, और मॉड्यूल उनकी एक्सटेंशन यूज़ की है तो उसके थ्रू जो है मुझे मिल जाता है। अब मुझे डिफाइन करना है कि इस मॉड्यूल में होगा क्या और ये कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। मॉड्यूल एक कंपोनेंट होता है जो हमें डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, नेटवर्क मॉड्यूल हमें डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेगा वो जो कि नेटवर्क रिलेटेड है। तो वो कौन सी है, नंबर वन मूवीज API सर्विस रेट्रोफिट के लिए, नंबर टू रिपॉजिटरी। तो मैंने यहाँ पे दो सिंगल लिखे हैं, सिंगल का मतलब है सिंगल टन, तो मतलब ए पूरी। अब ये रेट्रोफिट का वो ट्रेडिशनल कोड है जो हम नॉर्मली अपने एप्लीकेशन क्लास में डालते हैं या बेस एक्टिविटी में डालते हैं। सो रेट्रोफिट आर्ट बिल्डर बेस URL कन्वर्टर फैक्ट्री JSON, यहाँ पे मोल्टा प्रीटा डालना है, टेटो या फिर कॉटलिन का या फिर कोरूटीन का, जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी, और उसके बाद वो हमें एक रिपॉजिटरी सर्विस API सर्विस बना के देगा। सवाल ये है कि हम इसको एक्सेस कैसे कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। आपको एक मेथड है गेट, वो कॉल करना है, दैट्स इट, कहानी खत्म। मतलब मैं आपको अभी रिपॉजिटरी क्लास दिखा देता हूँ कि रिपॉजिटरी को रेट्रोफिट, ठीक है। तो ये भाई रिपॉजिटरी का क्लास है, और उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने डिफाइन किया हुआ है प्राइवेट वैल मूवीज API सर्विस। अगर जिन लोगों को कॉटलिन आती है ना, उनको ये पता होगा कि जहाँ पे मुझे वाल डिफाइन करना होता है तो मुझे वहाँ पे वैल्यू रहनी होती है, लाइक दिस प्राइवेट वाल माय वेरिएबल इक्वल टू 1। अगर मैं ये 0 हटा दूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आपको वाल जो है वो मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो मुझे यहाँ पे जो प्राइवेट वाल मैंने डिफाइन किया हुआ है वो इनिशियलाइज कहाँ है, इसकी वैल्यू कहाँ है, इक्वल करके जो भी है, ये वैल्यू मुझे कॉइन दे रहा है। मैंने जब रिपॉजिटरी का इंस्टेंट बनाया मूवी रिपॉजिटरी, तो मैंने उसमें हमारा बेस्ट मेथड कॉल कर लिया कॉइन का गेट, बस गेट कॉल किया। अब कॉइन क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सा इंस्टेंट चाहिए, और वो देखेगा कि कौन सा इंस्टेंट और कहाँ से ला के देना है। तो जब हमने बोला कि API सर्विस चाहिए, तो उसने हमें ये सिंगलटन उठा के पकड़ा दिया, कहानी ख़त्म। और अब मैं अगर इस रिपॉजिटरी की यूनिट टेस्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे मॉक करना है अगेन हमारी वही वाली स्लाइड के भाई रिपॉजिटरी को टेस्ट करने के लिए जे यूनिट टेस्ट होगी, और मॉक कौन सा करूँगा, डाओ और वेब सर्विस। हमारे पास डाओ नहीं है क्योंकि हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे रूम वगैरह, तो हमें सिर्फ वेब सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो आपने देखा कि मैंने न्यू का वेरिएबल या इस तरह का टाइट कपलिंग नहीं किया, मतलब बाद में मुझे API सर्विस में मुझे वॉल्यू यूज़ करनी है या फिर कोई और नेटवर्किंग लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे उस क्लास को चेंज करना है, रिपॉजिटरी वही की वही रहेगी, उसको पता भी नहीं होगा कि बाद में पीछे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये है गेम पूरी। इसी तरह से जो व्यू मॉडल है उनको रिपॉजिटरी चाहिए, ठीक है, ताकि वो इसको एक्सेस कर सके। तो मैंने उसकी तरह से प्राइवेट वॉल मूवी रिपॉजिटरी पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रही है, कोई वॉल है और डिपेंडेंसी के थ्रू आ रही है। अब ये है कि यहाँ पे बताती है कि अगर आपका व्यू मॉडल 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है, तो आप अपने व्यू मॉडल डायरेक्ट जो है वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट वॉल व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल्स होम व्यू मॉडल। लेकिन
हमारे पास व्यू मॉडल जो है होम व्यू मॉडल उसके पास रिपोजिटरी का पैरामीटर पास हो रहा है, तो उसके लिए हमें इसमें फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने फैक्ट्री बनाई, ये है हमारी चौथी क्लास एक स्क्रीन, तो कुछ भी नहीं है, रिपोजिटरी को मिली है और उसने जो है वो रिपोजिटरी को होम व्यू मॉडल में पास कर दिया। ये एक सिंपल ट्रेडिशनल सेंटेक्स है जिसमें कोई चेंज नहीं है, डिटेल की फैक्ट्री पर दिखा दूँ तो सेम है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे व्यू मॉडल मूवी डिटेल का यूज़ हुआ है, यहाँ पे होम व्यू। तो ये एक बॉयलर प्लेट कोड है जो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है डाल के आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये फैक्ट्री है, और अगेन हमने गेट किया तो गेट के थ्रू हमें हमारी रिपोजिटरी मिल गई और हमारी पूरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन बड़े आराम से यूज हो गई। अगर आप डैगर करोगे तो डैगर में लर्निंग पर इन्वॉल्व है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और बहुत सारा आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा। तो एज अ बिगनर यू कैन फोकस ऑन कॉइन, कॉइन इज़ वेरी ऑसम लाइब्रेरी और मुझे बड़ी पसंद है, और क्या कहते हैं उसके थ्रू बड़ा आराम से काम हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉइन का बेसिक्स, रिपोजिटरी इंजेक्शन और फैक्ट्री मॉडल और ये सारी चीज़ें हो गई। और अभी मैं क्वेश्चंस रिसीव करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर द सेशन, बाद में वीडियो जो है मेरी यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ 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 bit.ly/GDGPK फीडबैक पर ज़रूर फीडबैक डालें, इट विल मीन अ लॉट। और मुझे ट्विटर पे फॉलो करें फॉर मोर अपडेट्स, और मेरी वेबसाइट जरूर चेक कर लेना। थैंक यू GDG लाइव पाकिस्तान। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो एहसन अली ने सवाल पूछा है कि प्राइवेट वॉल क्या चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगेन वही बात के मतलब प्राइवेट वॉल है, वॉल एक फाइनल इंटीजर, फाइनल स्ट्रिंग, एक फाइनल वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो वॉल यूज़ करने का मकसद ये है कि रिपोजिटरी बाद में चेंज नहीं हो जाएगी और वही सेम रिपोजिटरी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आई है, और थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग मी। सो कैन वी यूज एंड्रॉयड व्यू मॉडल इंस्टेड ऑफ व्यू मॉडल? मेरे ख्याल से येस, यू कैन यूज एंड्रॉयड व्यू मॉडल, बट मुझे व्यू मॉडल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं रिपोजिटरी को एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ तो फिर मुझे व्यू मॉडल को एंड्रॉयड कॉन्टैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वजह से मैं व्यू मॉडल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। So still you can use Android view model, but then you will have Android context in your view model as well. So uske through aap etching to resources kar sakte hain. So try to avoid as much business logic in view model as possible, ke wo aap jo hai yahan to repository mein dale, aur agar aap dal rahe hain view model mein to at least apni Android ki dependency khatam kare, kyunki agar aap Android view model use kare fir aap usko unit test nahi kar sakte. The main thing is null pointer exception occurrence at compile time. What, well, in which scenario Kotlin synthetic binding would be used? So, ये सवाल अनुम ने पूछा है और ये बहुत अच्छा सवाल है। So, अनुम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी एक recently एक article लिखा था, अगर आप search करोगे evolution of finding views by ID in Android. उसमें बेसिकली मैं पांच चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ कि पहले फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ होता था तो उसमें क्या मसला था। उसमें जो सबसे बड़ा मसला था ये था कि मतलब मेरे पास टाइप सेफ्टी नहीं है कि क्या मुझे बटन चाहिए तो मुझे बटन ही मिल रहा है, या फिर मुझे उस सेम आईडी का टेक्स्ट व्यू मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है
और क्या वो बटन बटन है या वहाँ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब आप रॉन्ग आईडी दे दोगे वो आपका कोड चल जाएगा लेकिन आपको वहाँ पे जाकर नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा, तो इसी केस में जो है वो फाइंड व्यू बाय आईडी थोड़ा फेल हो जाता है। बटन नाइफ ने इसको थोड़ा सा सही तरह से हैंडल किया है, लेकिन अगेन उसके पास भी टाइप सेफ्टी और टाइप सेफ्टी तो है उसके पास, लेकिन उसके पास नल एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ रन टाइम पे एक नल चेक करता है कि है या नहीं है, तो आपके पास क्रैशेज नहीं आएंगे, लेकिन अगेन हम वही फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहे हैं तो खास फायदा नहीं है। कॉटलिन सिंटैक्टिक जो है शुरू में बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन गूगल उनको हाईली अवॉइड करता है, वो बोलता है कॉटलिन सिंटैक्टिक यूज ना करें, और इट मे बी पॉसिबल कि कॉटलिन सिंटैक्टिक जो है बाद में ख़त्म हो जाए। उसका मेन रीजन ये है कि वो आपको क्या कहते हैं टाइप सेफ्टी दे रहा है, लेकिन वो आपको अगेन नल सेफ्टी नहीं दे रहा, मतलब आपको अगेन वही बात कि आपको मैन्युअली नल चेक करना पड़ेगा। हाँ काटले लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क के थ्रू काम हो जाता है, लेकिन अगेन वही बात कहते हैं। दूसरा ये कि काटले सिंथेटिक परफॉर्मेंस वाइज बैड है, तो टेस्ट वाइज डेटा बाइंडिंग जो है वो इस उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि वो नलेबिलिटी और टाइप सेफ्टी दोनों को हैंडल किया, लेकिन डेटा बाइंडिंग एनोटेशन प्रोसेसर यूज कर रही थी तो वो स्लो हो जाती थी, और दूसरे उसके लिए हमें पूरे सारे जो लेआउट्स हैं मैन्युअली चेंज करने पड़ते थे, लाइक उनको लेआउट टैग में डालना, डेटा यूज करना। और ये व्यू बाइंडिंग अभी जो आई है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो ऑलमोस्ट डेटा बाइंडिंग की तरह है, वो सबसेट है डेटा बाइंडिंग का, जो कि नंबर वन एनोटेशन यूज नहीं कर कि फास्ट है, आपका लेआउट फ़ौरन अपडेट हो जाता है, आपका क्लास फ़ौरन जनरेट हो जाता है, तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। और नंबर टू ये है कि आपके पास टाइप सेफ्टी है कि आपको एग्जैक्टली बटन चाहिए तो आपको बटन ही मिलेगा, और नंबर थ्री के आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शंस नहीं होगी, मतलब लिटरली अगर मैं आपका कोड दिखाऊं तो मैंने जहां जहां एक्सेप्ट किया ये बी आई डॉट रिसाइकल मूवी बी आई डॉट प्रोग्रेट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन मार्क की, क्योंकि दिस इज नॉट नेसेसरी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नल चेक करने के लिए होता है अननेसेसरी नॉन नल, नॉन नल है और इसके अंदर वैल्यू होगी, और वो वैल्यू आप बगैर किसी नल पॉइंटर एक्सेप्शन और बगैर किसी फिकर के यूज करते थे। अगर कल आपकी लेआउट से आईडी रिमूव हो जाती है, आईडी चेंज हो जाती है, या फिर लेट्स से कि मैं पॉपुलर मूवीज जो है वो उसको पॉपुलर मूवी फोर कर देता हूँ, तो मेरा होगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर आप कॉटलिन सिंथेटिक यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके पास स्टिल प्रोग्रेस मूवीज और प्रोग्रेस मूवी अलग अलग यूज होंगे, करना पड़ेगा। तो ये है सबसे बड़ा फायदा व्यू बाइंडिंग का, कि आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको नॉन नल वैल्यू मिल जाती है। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन अनु। तो कॉटलिन इज कोइन इज सर्विस लोकेटर नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, प्लीज कमेंट बजाट। सो यस अब्दुल्ला हनीफ, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई ना कोई मुझसे पूछेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा है। सो यस कॉटलिन जो है वो कॉइन कॉइन जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है, वो सर्विस लोकेटर है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर्विस लोकेटर और डीआई में क्या फ़र्क है। डीआई जो है वो आपको रन टाइम पे कैलकुलेट करके आपको डिफाइन करती है कि इंस्टेंसेस क्रिएट करती है, और वो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन और डिपेंडेंसी इंजेक्ट करती है कि भाई ये आपकी डिपेंडेंसी है, चलो ये लो। सर्विस लोकेटर जो है वो ये करता है कि बेसिकली वो एक हैश में बनाता है, और मैं एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता रहा, मैं आपको जस्ट सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, एक हैश में बनाता है, और उसके अंदर वो सारे जो जो मुझे मॉड्यूल चाहिए वो उनकी एक लिस्ट बना के वो उनको ऑपरेट कर रहा होता है। अब जब भी मुझे कोई मुझे, तो वो उस हैश मैप से जाके वो देख लेता है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली डी आई, क्योंकि अगेन कपलिंग हुई पड़ी है, अगेन मतलब व्यू मॉडल और रिपॉजिटरी के आपस में कपलिंग नहीं है, लेकिन व्यू मॉडल अगेन उस हैश मैप पे रिलाई कर रहा है, रिपॉजिटरी उस हैश मैप पे रिलाई कर रही है, तो दिस इज हाउ दिस इज सर्विस लोकेटिंग, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी और जगह पे रख के वो आपको वहां से लोकेट करके दे रहा है कि भाई ये आपका व्यू मॉडल है, ये आपकी रिपॉजिटरी है, ये आपकी रेट्रोफिट सर्विस है, और ये है। तो दिस इज एग्जैक्टली नॉट समहाउ सिमिलर टू डी आई, और अगर आपको देगा बाद में यूज करना है तो दीज आर सम वेरी प्राइमरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको कॉइन के थ्रू ग्रैप करने में और अंडरस्टैंड होगी, और बाद में आप टेगर को थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं।
hope that makes sense. So Coin does same job as Tiger. What is the bigger benefit? So अभी मैं आपको मोहम्मद बिलाल साहब के टिगर जो है वो डीआई कर रियल डी है सर्विस मार्केटिंग कर रहा है तो जैसे ज्यादा प्रेफर करता है क्योंकि वो डीआई है डिफरेंशिएशन लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन कॉइन के थ्रू चल रही है तो इट रियली डजंट मैटर डीआई चल रही है या कोड चल रहा है एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल एज लॉन्ग एज यू आर यू कैन अंडरस्टैंड योर कोड और मतलब मैंने एक बहुत ही कॉमन क्या कहते हैं पैटर्न देखा है कि डेवलपर्स जो है वो क्या करते हैं कि मुझे डेगर भी डालना है मुझे जावा भी डालनी है मुझे प्रोटीन भी डालना है मुझे फ्लो भी डालना है मुझे चैनल्स भी डालने हैं सिर्फ इसलिए कि सब लोग इट डजंट मैटर आपको अपने अगर आपको अपना कोड समझ आ रहा है और आपको अपने कोड का पता है कि किस तरह से वो एप्लीकेशन चल रही है और वो एप्लीकेशन स्केलेबल है आपने यूनिट टेस्ट लगाई है आपका कोड सेफ है तो इट डजंट मैटर कि आप डीआई यूज कर रहे हैं या सर्विस लोकेशन यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी डीआई यूज नहीं कर रहे हैं देयर इज नो लाइक प्रॉपर टोन पे लिखी हुई बात के भाई जानबूझ के जो है हमें आरएक्स जावा करनी है या फिर हमें जानबूझ के फ्लो डालना है या फिर डीआई डालना है इट डजंट मैटर कि आपका काम हो जाना चाहिए दैट्स इट सो talk about mediator live data and transformations yes that is a good question muzammil sahab so basically ho kya raha hai ke hamare paas jo view models hain unke paas live data so ye raha hamara view model ke paas live data theek hai mutable live data aur live data mutable live data ka maqsad ye hai ke humne mutable live data wo data hai jo bahar se bhi change ho sakta hai तो हमने उसको प्राइवेट रख के लाइव डेटा का सिंपल इंस्ट्रक्शन डाला है जो कि हमारी जो एक्टिविटी है वो लाइव डेटा को एक्सेस कर रही है तो दैट मीन्स के एक्टिविटी जो है ना वो व्यू मॉडल के लाइव डेटा को चेंज नहीं कर सकती सिर्फ व्यू मॉडल ही चेंज कर सकता है उसकी वैल्यू तो इसका फायदा ये होता है कि एक्टिविटी के बाद व्यू मॉडल का कोई कंट्रोल नहीं होता व्यू मॉडल डिफाइन कर रहा होता है कि कब कौन सी चीज़ नज़र आ रही है और कब कौन सी चीज़ नज़र नहीं आ रही अगर एक्टिविटी को कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो व्यू मॉडल को रिक्वेस्ट अपनी बिजनेस लॉजिक को देख कर डिफाइन करेगा कि क्या है मेडिएटर लाइव डेटा ये होता है कि कल आपने रिपोजिटरी जो क्लास है उसमें जो है वो हम मल्टीपल सोर्सेज डाल रहे हैं लाइक हमें नेटवर्क से भी डेटा चाहिए हमें लोकल डेटाबेस से भी डेटा चाहिए तो हम वो डेटा लाइव डेटा के थ्रू ले रहे हैं तो अब हमारे पास दो लाइव डेटा हो गए तो मतलब एक डेटाबेस से उठा रहा है एक सर्वर से उठा रहा है तो हमें कौन सी दिखानी चाहिए तो मेडिएटर लाइव डेटा है वो एक मर्जिंग का काम करता है कि यार पहले डेटाबेस से उठाओ फिर सर्वर से उठाओ फिर उनको मर्ज करो फिर वो एक लाइव सिंगल लाइव डेटा यूआई के ऊपर थ्रो करो और ट्रांसफॉर्मेशन ये होती हैं कि हम उसमें और डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से मतलब यार जो नेटवर्क से डेटा आ रहा है ना उसमें जिन जिन यूजर्स की आईडी जो है वो नल है ना उनको हटा दो और तो हम फिल्टर का ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं या फिर मैप का ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में कन्वर्ट करने के लिए कि सर्वर से जो डेटा आ रहा है उसको हमने डेटाबेस के क्लास में चेंज किया है तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से अगर आपने आरएक्स जावा यूज़ की होगी तो उसकी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जो आप अभी कॉटलिन में यूज़ कर सकते हैं तो व्हाट इज सील्ड क्लास एंड व्हाई वी यूज इट थैंक यू एसन फॉर दिस क्वेश्चन तो सील्ड क्लास जो है वो एक ईनम की तरह काम करता है लेकिन वो एक बेटर इनम है उसका फायदा ये होता है कि इन से वैल्यू रिस्टोर करता है कि अगर मैं यहाँ पे इनम बनाता तो मेरे पास लोडिंग स्टेट वन मूवी लिस्ट स्टेट थ्री तो अगर एरर स्टेट में मुझे मैसेज चाहिए तो वो मुझे नहीं मिलेगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दो तरह के बनाए इन दो ऑब्जेक्ट्स हैं दो क्लासेज हैं ऑब्जेक्ट का मकसद ये है कि ये सिंगलटन है और यही यूज होगा क्लास का मकसद ये है कि ये किसी भी तरह का एरर स्टेट हो सकती है और उसका मैसेज डिफरेंट हो सकता है तो सील्ड क्लास यूज करने का फायदा ये है कि मुझे इन की तरह ढेर सारी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा इन में बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं जो कि एज पेन में मैं यूज करता हूं तो ये फायदा है सील्ड क्लास
ओके सो यस तो मैं अभी ये बता रहा हूँ हाउ मच वुड यू रिकमेंड टू जनरेट बेस्ट व्यू मॉडल क्लास। सो हमजा खान दैट इज टोटली अप टू यू। नॉर्मली मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे पास हर चीज़ की एक बेस होती है, लाइक बेस एक्टिविटी, बेस रिस्पॉन्स, सो वट एवर आई ट्राई टू क्रिएट दैट। सो यस इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आपके पास बेस्ट व्यू मॉडल है और आप व्यू मॉडल के बजाय अपने बेस्ट व्यू मॉडल से कर रहे हैं और कॉमन जो टास्क हैं वो आप उसमें डाल रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, यू शुड गो अहेड एंड डू इट। माज आफ्ताब, ग्रेट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू फॉर दैट माज। इन एम वी पी मोस्टली वी गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शंस इन प्रेजेंटर्स, वाट अबाउट एम वी वी एम्स एंड व्यू मॉडल्स? सो नोमान थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो व्यू मॉडल प्रेजेंटर में नल पॉइंटर एक्सेप्शंस इसलिए आती हैं क्योंकि उसके पास व्यू का वो होता है रेफरेंस। तो जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमें प्रेजेंटर से मैन्युअली उस व्यू का रेफरेंस को नल डिफाइन करना होता है ताकि वो आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन क्या है कि प्रेजेंटर हमारा लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता तो कभी कभी हमसे मिस हो जाता है व्यू को अपडेट करना, या फिर हमारे पास कॉल आ गई तो प्रेजेंटर को नहीं पता कि हमारी एक्टिविटी बंद हो गई है, तो वो व्यू को दबा के जो है ना अपडेट कर रहा होता है। तो उसका मसला यही होता है कि मतलब वहाँ पे जो है ना इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि यार मतलब प्रेजेंटर को ये पता होना चाहिए कि हमारी एक्टिविटी बंद हो गई है। व्यू मॉडल जो है वो इस मामले में लाइफ साइकिल अवेयर है, उसको पता होता है कि कब एक्टिविटी बंद हो गई है। तो वो क्या करता है कि वो सिंपली उसको अवॉइड करता है। वो मतलब जब भी एक्टिविटी बंद हो जाती है तो डेटा को अपडेट नहीं करता, और इससे फ़ायदा ही होता है कि हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शंस नहीं आती। कैन वी यूज इम्प्लीमेंट बेसिक लॉजिक इन व्यू लाइक इफ एल्स आर इट इज प्रेफर टू इम्प्लीमेंट आर लॉजिक? हाशिम साहब, जितना आप ज़्यादा अपनी लॉजिक को व्यू मॉडल में डाल सकते हैं आप डालें ज़रूर। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी हमें एक्टिविटी में शो आइडिया इस तरह की बेसिक इफेल्स डालना पड़ती हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप वो लगा सकते हैं। सिर्फ एक बार का ख्याल रखें कि आपके पास जो डेटा है वो आप अपना क्रिएट नहीं कर रहे हो एक्टिविटी के आप फ्रेगमेंट के आप व्यू लेयर में, वो डेटा आपको प्रोवाइड हो रहा है व्यू मॉडल के थ्रू, इस बात का ख्याल रखें बस। बाकी आप थोड़ी सी बिजनेस लॉजिक लगा सकते हैं तो आप भले लगा लें, कोई मसला नहीं। फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड स्टूडियो फॉलोज एम वी वी एम आर्किटेक्चर, सो डू यू थिंक दैट इट विल बी द ओनली आर्किटेक्चर दैट गूगल विल सपोर्ट इन फ्यूचर? नुमान साहब, यस अभी जो काम चल रहा है एंड्रॉयड का, उसमें गूगल हेविली इन्वेस्ट कर रहा है एम वी वी एम के ऊपर, क्योंकि एम वी वी एम एक लाइफ साइकिल अवेयर आर्किटेक्चर है। तो आई बिलीव के नियर फ्यूचर तक यही आर्किटेक्चर रहेगा अंटिल समथिंग मोर बेटर कम्स ऑन, बट यू नेवर नो के मतलब गूगल वाले किस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं और क्या क्या डाल रहे हैं। तो इज़ कॉटलिन नेसेसरी फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट? तो लास्ट ईयर एंड्रॉयड वालों ने ऑफिशियली कॉटलिन को एज अ कॉटलिन फर्स्ट कर लिया। उसका मतलब ये है कि जब भी जो भी नई एपीआई आएगी वो पहले कॉटलिन की बेस पे आएगी, मतलब वो पहले कॉटलिन की आएगी, उसके बाद जावा पे आएगी। इसका जावा पे आएगी, अभी जावा ख़त्म नहीं होगी। इसका फ़ायदा, इसका अंडरस्टैंड करने का मेन मकसद ये है कि मतलब एंड्रॉयड की पूरी एसडीके जो है ना वो अब कॉटलिन के पर्सपेक्टिव से बनेगी कि कॉटलिन के किस तरह के लैंग्वेज फीचर्स हैं, और ये है। तो उसका मतलब ये है कि आपको कॉटलिन यूज़ करनी चाहिए, ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप अभी भी जावा कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई आल्सो रिकमेंड यू कि आप जल्दी से जल्दी कॉटलिन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। सो नोमान करीम, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अरसलान अहमद, प्लीज़ गिव सेशंस ऑन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द एस डी के फ्रेमवर्क। अरसलान, मैंने कुछ एंड्रॉयड की लाइब्रेरी बनाई है तो उसमें मुझे मिनी एस डी के या इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी हैं, तो थैंक यू फॉर अ गुड आइडिया, आई कीप दैट इन माइंड। अली एजाज, गुड वन। अब्दुल बासित, वाट आर योर व्यूज ऑन एम वी आई डिज़ाइन पैटर्न? सो अब्दुल बासित साहब, अगेन वही बात कि इट डजेंट मैटर कि आप एम वी आई यूज़ कर रहे हैं, एम वी पी यूज़ कर रहे हैं, पी सी यूज़ कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपका काम हो रहा है और आप उसमें कम्फर्टेबल हैं तो यस, एम वी आई इज़ अ गुड केस। और अभी मैं रिसेंटली उसको कैचअप होकर देख रहा हूँ, लेकिन फॉर नाउ गूगल इज़ रिकमेंडिंग एम वी वी एम, सो आई आल्सो प्रेफर एम वी वी एम। अगर आप एम वी आई में कम्फर्टेबल हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ इट, एज लॉन्ग एज योर डेटा एंड व्यू आर सेपरेट, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं।
Thanks for your response. You are talking about the letter to V1. अनुमुक्षा जी जी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ. So what if we pass get view lifecycle owner instead of this? अब्दुल्ला खान, yes, हम कर सकते हैं. ये normally उन cases में यूज होता है जहाँ पे हमारे पास activity या fragment नहीं होता, हम custom view या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसके लिए. अगर आप अपना lifecycle बना रहे हैं तो इट्स नॉट मैटर, इट्स ओके. दिस पास करने का मेन फ़ायदा ये है कि व्यू मॉडल को एक्टिविटी और फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल पता होता है, तो वो उस तरह से कर सकते हैं. अगर आप अपना लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर क्रिएट करेंगे तो आपको मैन्युअली उन सारे फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी बहुत बतानी पड़ेगी, तो उस वजह से मैंने दिस पास किया. सो व्हिच वन इज बेटर इन बोथ, ईदर कॉटलिन और जावा? ऑफकोर्स कॉटलिन. कॉटलिन इज वेरी स्टेबल लैंग्वेज एंड वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज एंड क्लियर. So most of the time we need context in a view model which is recommended by Google, but every time I have to use Android view model instead of view model as view model doesn't contain context. So Feroz Khan, aapke sawal ka jawab ye hai ki main view model isliye use karta hu kyunki main apne view models ko context provide nahi karta, and context jo hai main repository mein dalta hu, lekin व्यू मॉडल को कॉन्टैक्ट नहीं देता. उसका रीज़न ये है कि अगर मैं व्यू मॉडल को कॉन्टैक्ट दूंगा तो फिर मुझे व्यू मॉडल की जो टेस्ट हैं वो इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट लिखनी पड़ेंगी, और मैं उनको जे यूनिट के थ्रू लोकल टेस्ट में चेक नहीं कर सकता. तो इट्स स्टिल इट्स अ गुड रिकमेंडेशन कि आप एंड्रॉयड व्यू मॉडल को कम करें और व्यू मॉडल को ज़्यादा यूज़ करें, और जो भी आपको कॉन्टैक्ट रिलेटेड काम है वो ट्राई करें कि वो आप रिपॉजिटरी से फेच कराएं. सो यस, that is. So again वापस आते हैं हमारे last question है. आई थिंक इज इट मैंडेटरी टू यूज अ सेपरेट व्यू मॉडल विच ईच एक्टिविटी आर फ्रेगमेंट, वाट एंड्रॉयड रिकमेंड? तो अभी सिंपलिसिटी की सेक के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज में बनाया है, लेकिन नॉर्मली सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर जो है वो रिकमेंडेड है. तो उसमें आपको एक एक्टिविटी होती है और फ्रेगमेंट्स होते हैं. तो फ्रेगमेंट्स का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन में व्यू पेजर यूज़ हो रहा है तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं जो एक व्यू पेजर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आप शेयर्ड व्यू मॉडल बना लें. और अगर आप नेविगेशन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप हर ग्राफ का एक शेयर्ड व्यू मॉडल बना लें. तो एंड्रॉयड जो है इनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, लाइक व्यू मैंने यहाँ पे व्यू मॉडल्स यूज़ किया है. मैं यहाँ पे एक्टिविटी व्यू मॉडल यूज़ कर सकता हूँ, उसकी मैंने वो अभी डिपेंडेंसी नहीं डाली. तो एक्टिविटी व्यू मॉडल्स क्या करता है कि एक व्यू मॉडल होगा जो एक्टिविटी का होगा, और उसके अंदर जितने भी फ्रेगमेंट यूज़ हो रहे होंगे वो सेम व्यू मॉडल यूज़ कर रहे होंगे. तो इस तरह से आप शेयर्ड व्यू मॉडल बना सकते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आर एक जावा एक हैवी लाइब्रेरी थी जो मुझे शुरू से पसंद नहीं थी. कोर रूटीन्स आर ऑलरेडी कॉटलिन फीचर एंड वेरी लाइट वेट एंड वेरी फास्ट, एंड कॉल बैक हेल से जान बच जाती है कि आर एक जावा में आपको बहुत सारे कॉल बैक डालने पड़ते हैं. तो आई विल प्रेफर कोर रूटीन्स स्टिल. इफ़ यू आर इन टू आर एक जावा दैन आर एक जावा इज स्टिल अ गुड पैटर्न. सो दैट इज यूर आंसर हाशिम शफीक. सो यस, so I would like to wrap it up now, and thank you for watching me. और मैं अभी ये वीडियो जो है थोड़ी देर के बाद YouTube पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह. और मेरा YouTube ज़रूर फॉलो करें और मेरी वेबसाइट चेक करें. और थैंक यू साथ फॉर होस्टिंग दिस, एंड थैंक यू GDG Live Pakistan. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस. और वो लोग जिन लोगों ने वोट किया था कि मुझे कौन से टॉपिक पे करना है, I can definitely see that there is a huge response on this talk and interest. So I hope that mera session aapke liye helpful hoga aur aapki confusions aur aapke concept clear hue honge MVVM ke bare mein. Aur iske alawa jo bhi questions hain aap just mujhe message kare Facebook pe ya website pe Twitter pe, jo bhi medium aapko sahi lage I'll try to explain it. Agar uske baad kisi ko time chahiye to aap zarur 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 check kare. So this is और इस session का feedback जो है bit.ly/GDGPK पे ज़रूर दें. So that's it.